बक्सर जिले के डुमराव थाने के कसिया गांव निवासी शैलेंद्र जब फौज में शामिल हुए तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र की शहादत की खबर गांव पहुंची, वैसे ही परिवार सहित पूरा गांव मातम में डूब गया। बताया जा रहा है कि सैनिक कार्रवाई के लिए शैलेंद्र एक ऑपरेशन में जा रहे थे, इसी दौरान जिस ट्रक में वे बैठे थे वह ट्रक फिसल कर गहरी घाटी में जा गिरा। इस हादसे में शैलेंद्र सिंह की मौत हो गई। शैलेंद्र ने 5 साल पहले ही राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन किया था। महज 3 साल पहले ही शैलेंद्र की शादी हुई थी। शहीद का पार्थिव शरीर बक्सर पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गईं। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों ने जोशीले नारे लगाए। बक्सर के चरित्र वन स्थित शमशान घाट पर शहीद शैलेंद्र का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा समाज के हर वर्ग के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक संघ के सदस्य भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आरजेडी के जिला अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने कहा कि शैलेंद्र ने देश की सेवा में सर्वोच्च कुर्बानी दी है। बहुत गमगीन है, अभी तो 20-22 साल का लड़का था और इस देश की रक्षा करने में वो मारा गया। हम लोग बहुत दुखी हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सो इनकी आत्मा को शांति दें, परिवार को इतनी कम से कम ताकत दें कि परिवार इस दुख को बर्दाश्त कर सके। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राणा प्रताप ने कहा कि शैलेंद्र की बहादुरी सभी के लिए मिसाल है। ये आज भारत माता के वीर सपूत शहीद शैलेंद्र जी के सम्मान में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एनडीए के सभी घटक दल के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिल करके आज अपने एक वीर शहीद को, आज अपने एक वीर पुत्र को यह पुष्पांजलि दे करके यह सम्मान देने आए हैं कि हम भारत माता के वीर सपूत, हम भारत माता के वीर सपूत को सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि आज उन्हीं की बदौलत आज हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी हैं, उन्हीं की बदौलत है। वहीं रालोसपा के जिला अध्यक्ष निर्मल कुशवाहा ने भी शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। निश्चित आज के दिन बहुत दुखद दिन घटना है कि मेरे ही जिला का कसिया के निवासी शैलेंद्र जी देश की सेवा करते करते अब शहीद हो चुके हैं। तो निश्चित हम लोग एनडीए की तरफ से या सारे पार्टी की तरफ से हम उनके सम्मान में आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और निश्चित हम यह चाहेंगे कि पूरे जिला के तरफ से शहीद शैलेंद्र जी को सम्मान मिले। शैलेंद्र सिंह ने देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर मिसाल कायम की है। अब सरकार को भी पीड़ित परिवार की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।